तो हाल उत्तराखंडना अनेक विस्तारों में भारी बर्फ वर्षा ने कारण ठंडीनो पारो माइनस में है। त्यारे चमोली में सतत बर्फ वर्षा ने कारण विश्व प्रसिद्ध प्रवासन स्थल ओली में चारे तरफ मात्र ने मात्र देखाई रह्यो छे बर्फ। जाने ओली तो चांदी नी जेम चमकी रह्यो छे, जेना कारणे प्रवासीओनो धसारो पण ओली तरफ वधवा लाग्यो छे। अहीं पहाड़ों तो ठीक, रस्ता उपर पण बरफ होवाथी प्रवासीओनी गाड़ियों स्लिप थई रही छे। ते सतत बरफ वर्षाने कारणे जोशीमठ आवती ओली मार्ग ने बंद करवानी फरज पड़ी छे, कारण के आ रस्ता 3 फूट सुधी बरफ जामी जता रस्ताओ बंद कराया छे, जेथी प्रवासीओ फसाई पण गया हता। आ उपरांत बीजी अनेक मुश्किलोनो सामनो प्रवासी करी रह्या छे, परंतु जेवो ते लोकोने बरफ के बरफ वर्षा जुए के तुरंत ज पोतानी मुश्किल भूली जाए छे, बरफ में मस्ती करवानी मजा माणवा लागे छे। नेक्स्ट डे हम जब मॉर्निंग में उठे तो सफेद चादरों से पूरा जो था ओली ढका हुआ था, और गाड़ी हमारी कल स्टक हो गई थी, हमें कल वहीं होल्ड करना पड़ा। और उसके बाद हमने सोचा कि आज सुबह भी जो होगा कि हमारी गाड़ी किसी प्रकार से निकाल दी जाएगी, लेकिन नहीं, बर्फ इतनी ज़्यादा हाइट पे है, 3 फीट शायद उससे ज़्यादा बर्फ पड़ी हुई है, इस कारण जब हमें आज भी वहीं स्टक करना पड़ता। लेकिन हम पैदल नीचे आ गए और ये स्नो मतलब बर्फ़ के रास्ते से हम पैदल आए, गाड़ी हमने वहीं छोड़ दी है। अभी हमें ओली की वादियों में बड़ा खूबसूरत नज़ारा जो है इस टाइम ओली का लग रहा है। बर्फ गिरने के बाद ऐसा लग रहा है कि ओली ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। आपको मैं दिखाना चाहूँगा खूबसूरत ओली का जो दृश्य है, आप सामने जो वादियाँ हैं ऐसा लग रहा है कि चांदी की तरह जो चमक रहा है, जो वादियाँ हैं आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा जो ओली है सामने चेयर कार आप देख सकते हैं, हम GNBN की जो चेयर कार है वो चल रही है लगातार, और खूबसूरत नज़ारा। कुछ लोग स्कीयर जो कुछ खिलाड़ी हैं स्कीयर वो स्कीइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और सामने जो बर्फबारी का जो दृश्य है, अभी यहाँ पे जो है गुनगुनी धूप खिली है, पूरा बर्फ़ से जो है लगातार जो पहाड़ियाँ हैं, बहुत सुंदर नज़ारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पुष्कर चौधरी, जी मीडिया, ओली। तो कड़कड़ती ठंडी वच्चे आप जे दृश्य जोई रह्या छो, आ छे चमोली ना जबरफ वर्षा जोता ज प्रवासीओ मुश्किली भूल्या छे। अहींया मुश्किली तो पड़ी रही छे, रस्ताओ बंद थई गया छे, खावा पीवाना पण फांफा पड़ी रह्या छे, तेवामां प्रवासीओ मात्र बरफ जोईने आनंद लई रह्या छे।